जब किसी को ईडी यानी इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन की समस्या रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है, यानी मरीज को खाने के लिए बताया जाता है। जब किसी को ये समस्या रहती है तो उसे क्या होता है, उसे मानसिक में तनाव की समस्या हो जाता है, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन जैसी समस्याएँ होने लगती हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं और इस मेडिसिन का उपयोग किस प्रकार की दिक्कत, किस प्रकार की समस्या मरीज को, और क्या दिक्कत और क्या समस्या रहती है, या फिर किस प्रकार की रोग में इस मेडिसिन का उपयोग डॉक्टर मरीज को करने के लिए देते हैं, इसका डोज क्या होता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको कितने एमजी कितनी मात्रा में लेने के लिए डॉक्टर के द्वारा बताया जाता है, इसके बारे में आज हम आपको पूरा हिंदी में जानकारी देंगे। तो इस मेडिसिन का जो कंपोजिशन है, यानी जो हमारा साल्ट है टेडालाफिल, इस मेडिसिन का साल्ट है। चलिए जान लेते हैं ये मेडिसिन कितने कितने एमजी में आता है। जैसे कि ये मेडिसिन 10 एमजी में आता है, 20 एमजी में आता है, 5 एमजी में आता है, 2.5 एमजी में ये मेडिसिन आता है। जैसे कि जो इसका डोज यानी जो दवा की मात्रा की एमजी होती है, ये मरीज़ की दिक्कत और उसकी समस्या और उसके बॉडी वेट और उसके दिक्कत परेशानी को देखते हुए डॉक्टर इस दवा का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताते हैं। चलिए जान लेते हैं टेडालाफिल टैबलेट काम कैसे करता है। ये मेडिसिन CGMP इनहिबिटर मेडिसिन होता है। इस मेडिसिन का जो मुख्य काम होता है वेसो डायलेशन करना, यानी जो आपकी वेसल्स होती हैं, यानी जो आपकी नसें होती हैं, उन नसों को फैला देना। नसों के फैलने की वजह से जो ब्लड का फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, यानी जो ब्लड का गति होता है वो धीमी हो जाता है। ईडी की समस्या में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, यानी ईडी एक ऐसा समस्या होता है जिसमें पेनिस के अंदर जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है, तो इस समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसमें रिएक्शन नहीं आता है ईडी की समस्या में, तो उसके जो वेसल्स हैं उसे बड़ा कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में ब्लड जाता है, और जब ज़्यादा मात्रा में ब्लड जाएगा तो इरेक्शन की मात्रा बढ़ जाता है। प्रोस्टेट इन लार्ज की समस्या में भी डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन यूज किया जाता है। इस मेडिसिन का जो मुख्य काम होता है इरेक्शन को बढ़ाना। ये मेडिसिन सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले 30 मिनट पहले ये मेडिसिन लेना होता है। चलिए अब हम आपको इस मेडिसिन के डोज के बारे में बताते हैं। इस मेडिसिन का क्या डोज डॉक्टर के द्वारा निर्धारित करके लेने के लिए मरीज को बताया जाता है। जैसे कि जो दवा का डोज होता है ये डॉक्टर के द्वारा मरीज की दिक्कत और उसकी समस्या और उसकी परेशानी को देखते हुए और उसके बॉडी वेट और उसके एज के अकॉर्डिंग इस दवा का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जब किसी को 10 mg काम नहीं करता है तो उसे 20 mg दिया जाता है, या फिर अगर किसी को 5 mg नहीं काम करता है तब उसे 10 mg दिया जाता है। तो डॉक्टर मरीज की स्थिति और उसके दिक्कत और उसकी समस्या को देखते हुए इस दवा का डोज निर्धारित करके लेने के लिए बताते हैं। चलिए अब हम आपको इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं। इस मेडिसिन का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। जैसे कि इस आपके सिर में दर्द हो सकता है, आपका पेट खराब हो सकता है, आपके स्टमक में दर्द की समस्या हो सकती है, आपको नोजिया की समस्या हो सकती है, आपको वोमिटिंग के जैसा महसूस हो सकता है, आपको नींद के जैसा बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है, आपके सिर में दर्द की समस्या हो सकती है, इसके सिवा आपको और भी साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावा यदि आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप संपर्क करें, आप अपनी दिक्कत परेशानी बताएं, उसके बाद में कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन उपयोग करें। कभी भी आप कोई भी दवा कोई भी मेडिसिन खुद से उपयोग ना करें।